उर्दू साहित्य के प्रसिद्ध अफसाना साज सादत हसन मंटो की रचना मैं क्यों लिखता हूँ। स्वर कुलदीप सिंह। मैं क्यों लिखता हूँ, ये एक ऐसा सवाल है कि मैं क्यों खाता हूँ, मैं क्यों पीता हूँ, लेकिन इस दृष्टि से मुख्तलिफ है कि खाने और पीने पर मुझे रुपए खर्च करने पड़ते हैं और जब लिखता हूँ तो मुझे नकदी की सूरत में कुछ खर्च करना नहीं पड़ता, पर जब गहराई में जाता हूँ तो पता चलता है कि ये बात गलत है, इसलिए कि मैं रुपए के बलबूते पर ही लिखता हूँ। अगर मुझे खाना पीना ना मिले तो जाहिर है कि मेरे अंग इस हालत में नहीं होंगे कि मैं कलम हाथ में पकड़ सकूं। हो सकता है पाकाकशी की हालत में दिमाग चलता रहे, मगर हाथ का चलना तो जरूरी है, हाथ ना चले तो जबान ही चलनी चाहिए। ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि इंसान खाए पिए बगैर कुछ भी नहीं कर सकता। लोग कला को इतना ऊंचा रुतबा देते हैं कि इसके झंडे सातवें आसमान से मिला देते हैं, मगर क्या ये हकीकत नहीं है कि हर श्रेष्ठ और महान चीज एक सूखी रोटी की मोहताज है। मैं लिखता हूं इसलिए कि मुझे कुछ कहना होता है, मैं लिखता हूं इसलिए कि मैं कुछ कमा सकूं, ताकि मैं कुछ कहने के काबिल हो सकूं। रोटी और कला का संबंध प्रकट रूप से अजीब सा मालूम होता है, लेकिन क्या किया जाए कि खुदा बन ताला को यही मंजूर है, वो खुद को हर चीज से निरपेक्ष कहता है, ये गलत है। वो निरपेक्ष हरगिज नहीं है, उसको इबादत चाहिए और इबादत बड़ी ही नर्म और नाजुक रोटी है, बल्कि यूं कहिए चुपड़ी हुई रोटी है जिससे वो अपना पेट भरता है। मेरे पड़ोस में अगर कोई औरत हर रोज खावल से मार खाती है और फिर उसके जूते साफ करती है तो मेरे दिल में उसके लिए जर्रा बराबर हमदर्दी पैदा नहीं होती, लेकिन जब मेरे पड़ोस में कोई औरत अपने खाविंद से लड़कर और खुदकुशी की धमकी देकर सिनेमा देखने चली जाती है और मैं खाविंद को 2 घंटे सख्त परेशानी की हालत में देखता हूं तो मुझे दोनों से एक अजीब व गरीब किस्म की हमदर्दी पैदा हो जाती है। किसी लड़के को लड़की से इश्क हो जाए तो मैं उसे जुकाम के बराबर अहमियत नहीं देता, मगर वो लड़का मेरी तवज्जो को अपनी तरफ जरूर खींचेगा जो जाहिर करे कि उस पर सैकड़ों लड़कियां जान देती हैं, लेकिन असल में वो मोहब्बत का इतना ही भूखा है जितना बंगाल का भूख से पीड़ित बाशिंदा। इस बजाहिर कामयाब आशिक की रंगीन बातों में जो ट्रेजेडी सिसकियां भरती होंगी उसको मैं अपने दिल के कानों से सुनूंगा और दूसरों को सुनाऊंगा। चक्की पीसने वाली औरत जो दिन भर काम करती है और रात को इत्मीनान से सो जाती है मेरे अफसानों की हीरोइन नहीं हो सकती। मेरी हीरोइन चकले की एक तकियाई रंडी हो सकती है जो रात को जागती है और दिन को सोते से कभी कभी ये डरावना ख्वाब देखकर उठ बैठती है कि बुढ़ापा उसके दरवाजे पर दस्तक देने आ रहा है। उसके भारी भारी पपोटे जिनमें वर्षों की उचटी हुई गींद जम गई है मेरे अफसानों का मौजू बन सकते हैं। उसकी गलाजत, उसकी बीमारियां, उसका चिड़चिड़ापन, उसकी गालियां, ये सब मुझे भाती है। मैं उसके मुतालिक लिखता हूं और घरेलू औरतों की सस्ता कलामियों, उनकी सेहत और उनकी नफासत पसंदी को नजरअंदाज कर जाता हूं। सादत हसन मंटो लिखता है इसलिए कि ये खुदा जितना बड़ा अफसाना साज और शायर नहीं, ये उसकी आजिजी जो उससे लिखवाती है। मैं जानता हूं मेरी शख्सियत बहुत बड़ी है और उर्दू साहित्य में मेरा बड़ा नाम है, अगर ये खुश फहमी ना हो तो जिंदगी और भी मुश्किल बन जाए, पर मेरे लिए ये एक तल्ख हकीकत है कि अपने मुल्क में जिसे पाकिस्तान कहते हैं मैं अपना
सही स्थान ढूंढ नहीं पाया हूं। यही वजह है कि मेरी रूह बेचैन रहती है। मैं कभी पागलखाने में और कभी अस्पताल में रहता हूं। मुझसे पूछा जाता है कि मैं शराब से पीछा क्यों नहीं छोड़ा लेता। मैं अपनी जिंदगी का 3/4 हिस्सा पद परहेजियों की भेंट चढ़ा चुका हूं। मैं समझता हूं जिंदगी अगर परहेज से गुजारी जाए तो एक कैद है, अगर वो पद परहेजियों से गुजारी जाए तो भी एक कैद है। किसी ना किसी तरह हमें इस जुराब के धागे का एक सिरा पकड़कर उधेड़ते जाना है और बस। धन्यवाद।